नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज। मनु मिजोरम को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कल चुनाव नतीजे घोषित होंगे। नतीजों से एक दिन पहले नेताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, वहीं बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कल सुबह वोटों की गिनती शुरू होगी और रुझान आने के साथ ही अगले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। और सुबह 6 बजे से पहले इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले सटीक रुझान, सटीक नतीजे। हर एक चुनावी स्टेट का हम अपने सहयोगियों के साथ बारीकी से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्या है चुनावी राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट, किसने किसको दिया है वोट, इसे समझने की जरूरत होगी। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है सब आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी चेतन सेठ की इस रिपोर्ट को देखिए और मध्य प्रदेश के मिजाज को समझिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2533 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद था और वो ईवीएम कल खुलने जा रही हैं। सुबह से ही ईवीएम का जो है पिटारा खुलेगा और जो 2533 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इनके भविष्य का फैसला होगा। भोपाल सहित प्रदेश के 52 जिलों में निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी भी तरह का धारदार हथियार या रैली जुलूस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और आज शाम 11:30 बजे से शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही बिना परमिशन के एक जगह 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। भोपाल पुरानी केंद्रीय जेल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पूरे जो तमाम कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है ये यहाँ पर पहुँच गए और आज से ही मोर्चा संभाल लिया गया है। बैरिकेडिंग पूरी तरीके से की गई है, मोबाइल प्रतिबंध क्षेत्र शासकीय कर्मचारियों हेतु प्रवेश के द्वारे बनाए गए हैं। इसके साथ ही पूरा जो जेल है, पुरानी जेल जहाँ पर मतगणना होनी है भोपाल में, उसका एक नक्शा लगाया गया है। इस नक्शे में बताया गया कि कैसे जो है मतगणना अंदर तक, स्ट्रॉन्ग रूम तक जो लोगों को पहुँचना है, तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी तरह की इधर उधर ना भटकें। वे टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें लिखा गया है, मीडिया सेंटर की भी इससे व्यवस्था की गई है, कैंटीन की व्यवस्था की गई, तमाम इसमें पूरी व्यवस्था की गई। नक्शे में पूरी तरीके से बताया गया कि किसको कहां जाना है, वो जाके अंदर अपना जो है मोर्चा संभाल लेगा। तो कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद था और आज से ही जो है तमाम जो कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है उनको निर्देश कर दिया गया है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, इसे समझिए। अभी तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है, उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। ये तो बात हुई शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह किस तरीके से दावे कर रहे हैं ये भी देखिए। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। सर कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। आपने कमलनाथ के कॉन्फिडेंस को भी सुना और आपने दिग्विजय सिंह को भी सुना जो कह रहे थे 130 प्लस, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं।
चलिए, इन सबके बीच बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो इन परिणामों को कैसे देखते हैं इसे देखिए। अभी और कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे, अभी एग्जैक्ट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जैक्ट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठेगा। ये परिणाम बता देंगे कि विकास वाली मध्य प्रदेश राजधानी है या भ्रष्टाचार वाली है। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार कर रही है और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। जब भी कांग्रेस हारती है तो वह आरोप बेचारे ईवीएम पर ही लगाती है, और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है तो उसको गाली देंगे वो। ये नहीं कि कांग्रेस अपने बारे में आत्मविश्लेषण करे कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है। वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर एक समय राज करती थी, वो कांग्रेस आज सिमटती क्यों जा रही है। बीजेपी के दो बड़े और दिग्गज जो कि जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, इसके साथ साथ एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ मानते हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही, सुनिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। अब वो कहें जो कहना है। पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़िए, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा है। जनता का आशीर्वाद मिला है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को समर्थन मिला है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके नज़दीक भी परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन। इस बीच पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इन चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई दिनों बाद उनकी ये प्रतिक्रिया आई है, सुनिए वे क्या कहती है। जो माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं उसका भी असर तो दिखता है, जो पढ़े लिखे लोगों के मन पर है कि नहीं, व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी आज की केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, या दूसरी जगह पे जो भाजपा की सरकार है, समझो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा था ये कि वहां के मुख्यमंत्री बुलडोजर चला सकते हैं, अपना क्यों नहीं। मैंने कहा ये कोई ऐसी पॉलिसी थोड़ी रहती है, जहां जहां आवश्यकता वैसे हो। तो साधारणतया भाजपा के खिलाफ वातावरण कम था, और उस पर से मैं कह सकती हूं कि दोबारा भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा है। अब इन सब के बीच जमीन पर किसने कितनी मेहनत की, ये समझने की जरूरत है किसने कितनी सभाएं की, क्योंकि चुनावी खेल में सभाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अपने नेता को सुनने के लिए लोग आते हैं, और जब नेता बोलते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, चुनावी वादे करते हैं, तो जनता पर कितना असर करते हैं, स्वाभाविक तौर करते हैं, तभी तो वो असर होता है। तमाम नेताओं की सभाओं को हम आपको बताएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की जमीन पर किस नेता ने कितनी सभाएं की। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि किस नेता ने कितनी स्क्रीन की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे महत्वपूर्ण प्रचार इन्हीं का, हर उम्मीदवार चाहता था कि वो उनकी विधानसभा में आए और एक चुनावी रैली करें या फिर रोड शो करें, लेकिन ये संभव नहीं था। तो अलग अलग संभावों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रचार किया। मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों का हिसाब किताब अगर है तो इस वक्त आपके सामने है। 7 दिन प्रचार किया, 15 जिलों में प्रचार किया आपने देखा, और इसके साथ साथ 14 रैलियां की, एक रोड शो किया। वो रोड शो कहां किया? वो रोड शो किया इंदौर में। तो कुल मिलाकर क्या ये फिजा बदलने के लिए काफी है या कहीं कोई कमी है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन दूसरा चेहरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों का उनका हिसाब, 6 दिन प्रचार किया, 13 जिलों में प्रचार किया, 17 रैलियां की, 2 रोड शो किए और 2 मंदिर दर्शन किए। इनके बावजूद भी हर संभाग में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, अलग से बैठक ली, गोपनीय बैठक ली, कार्यकर्ताओं को संकेत दिया। और तीसरा चेहरा मध्य प्रदेश में जो चुनावी रैलियों का हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ का है, 4 दिन उन्होंने प्रचार किया, 13 मध्य प्रदेश के 13 जिलों में प्रचार किया, 14 रैली की और 2 रोड शो किए। हर किसी की डिमांड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो जानते हैं कि हारी हुई बाजी को अगर कोई पलट सकता है तो ये पलट सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों ने किया। अब कांग्रेस में किसने सबसे ज्यादा दमखम लगाया? मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों का हिसाब किताब प्रियंका वाड्रा। जी हां, 6 दिन उन्होंने प्रचार किया, 9 जिलों में प्रचार किया, 10 रैलियां की और 1 रोड शो किया। वो रोड शो कहां किया? इंदौर में किया। ये एक कांग्रेस का सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा था और सारे कार्यकर्ता कहते थे, मानते थे, उम्मीदवार कहते थे कि हमारे इलाके में, हमारी विधानसभा में प्रियंका प्रचार करें। एक और चेहरा कांग्रेस का राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 5 दिन प्रचार किया, 10 जिलों में प्रचार किया, 10 रैलियां की और रोड शो किया। एक रोड शो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया, उम्मीदवारों को अपने साथ ले जाकर किया। क्या ये पासा पलट पाएगा? क्योंकि चुनाव आने के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि किस नेता ने कहां पर रोड शो किया, किस नेता ने कहां पर रैली की और जहां रोड शो और रैली हुई उसके परिणाम निकल कर क्या आए, तो ये भी समझना होगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और वे बताते हैं कि बीजेपी कहां रहेगी और कांग्रेस कहां पहुंचेगी। सुनिए। तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। भाजपा के पिछले 18 साल में जनता ने उनका घमंड देखा है, भाजपा का अहंकार देखा है। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के घमंड को, अहंकार को खत्म करेगी और इस बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका देगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस के जो भी लोग जीत के आएंगे सब कमलनाथ जी के पास पहुंचेंगे सीएम की बधाई देने के लिए। वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने क्या कहा, वो सुनिए। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना ये की कि वह सदा अपना आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता, खास करके छिंदवाड़ा की जनता पर हमेशा बनाए रखे और मैंने कमलनाथ जी के विजय के लिए प्रार्थना की। कल क्या, कितनी सीटें उम्मीद कर दी है कि कांग्रेस की सरकार? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कहते हैं, इसे भी सुनिए। एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है, कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले। और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है, आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48-46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बीजेपी कैसे ऊपर जा रही है और क्यों ऊपर जा रही है। लेकिन अगर
अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 71 से नीचे आ रही है तो वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? ये बात हुई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने चुनावी परिभाषा पर किस तरह की बात की, सुनिए। कल मतगणना है, हम लोग सब लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और कल मतगणना जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरी 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 तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। और जिस तरह से हम लोग एक टारगेट लेकर चले थे 75 प्लस का, और जिस तरह से रुझान भी आपके सभी मीडियाओं से एग्जिट पोल से इस तरह से भी आ रहा है कि 55 प्लस, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 2018 की तुलना में लगभग सेम सीट या उससे हम ऊपर भी जा सकते। तो बीजेपी की अपनी बातें हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या निकल कर आएगा ये तो 3 तारीख को यानी कल ही पता चलेगा, तब जबकि ईवीएम मशीन से निकल कर आएंगे जनता के दिए हुए वोट। लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत क्या है, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं? अगर छत्तीसगढ़ में तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस है लेकिन हर नेता अपने अपने वादे कर रहा है, इन सबके बीच एग्जिट पोल भी हैं जो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीन से दीपक हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट लेकर आए और वो बताते हैं कि यहां चर्चा क्या है, हलचल क्या है, देखिए। छत्तीसगढ़ समेत देश के दूसरे राज्यों में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। अब से कुछ समय बाद तमाम नेताओं की जो किस्मत ईवीएम में बंद हुई थी उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम दिग्गज, तमाम राजनेता और तमाम राज्य, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उल्टी गिनती शुरू होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि कौन गद्दी पर आसीन होगा, कौन अपनी गद्दी बचा पाएगा या कौन दोबारा उस गद्दी पर आएगा। ऐसे तमाम सवालों के साथ ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईवीएम है उनको रख दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिला मुख्यालय है, जो कलेक्ट्रेट है, जो सुरक्षा है, उनके भीतर सुरक्षा के बाहरी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, ताकि किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे, ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा अंदेशा ना रहे कि भाई साहब हम जीत सकते थे लेकिन पार्शियलिटी हुई है, लेकिन पारदर्शिता नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा के तमाम लेयर की सुरक्षा की गई है। CISF को लगाया गया है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो जवान हैं उसको लगाया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाया गया है, CRPF तैनात है। और सबसे ज़्यादा तेज कैमरे की निगरानी में तमाम तरह की चीज़ों को देखा जा रहा है, प्रीव्यू किया जा रहा है और समझा जा रहा है। और समझने के साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक तो नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जो ईवीएम में किस्मत कैद हुई है उस किस्मत के सहारे कौन छत्तीसगढ़ का सिरमौर बनेगा, कौन छत्तीसगढ़ की जनता का रहनुमा बनेगा और कौन छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर उस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सवार होगा, आज से 5 साल पहले जिसकी चर्चा की जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या जो सत्ता में थे वो दोबारा लौटेंगे, क्या जो 15 साल सत्ता में थे उनको दोबारा सत्ता मिलेगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आ जाएगा कल। कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और उसके बाद सत्ता किसकी होगी ये पता लग जाएगा। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने नतीजों से पहले कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और जो भी आपको एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है हकीकत वो नहीं है, हकीकत वो है जो 3 तारीख को नतीजों के साथ आपको दिखाई देगा और उसमें आपको कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई देगा, सुनिए। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए अरुण साव जी हैं। एक सवाल है, नंबर्स मुफीद नहीं है उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिली हुई हैं। नंबर किसने दिया? कल तक
ये कांग्रेस के लोग 75 पार के बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे। कुछ राजनीतिक पंडित कहते थे कि चुनाव के मैदान में मुकाबले में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एग्जिट पोल ने मुकाबले में दिखाया है। और हम जिस बात को लगातार कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, एग्जिट पोल ने हमारे दावे को मजबूत किया है। और आप देखेंगे, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत होने का दिन है, कमल खिलने का दिन है, कमल खिलने का दिन है। आपके नंबर्स कम है लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, वहां नंबर उतने हैं जितने में सरकार आ सकती है, लेकिन फिर भी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, ऐसा क्यों? वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मिशन लोटस, उनका 75 पार के दावा कहां लटका है? वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं, पूरी तरह से हम परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। बोला आपने, कहा डरे हुए, डरे किससे हैं? कहीं मिशन लोटस की तैयारी से डरे हुए हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने जनता के साथ जो खेल खेला है, जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम, लूटने का काम, इसके कारण से वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैंडेट उनको आ रहा है, कल बैठक हुई, आज भी बैठक है, अजय माकन आ रहे हैं, बैठकों का दौर कांग्रेस में शुरू हो गया है, क्या लग रहा है, आप लोग कुछ अंदर पका रहे हैं क्या? वो डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग ये योजना बना रहे हैं। हम पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ की जनता पर हमें भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर भरोसा है, और कल का जो परिणाम आएगा आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कमल की चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, इसी कमल को मिशन लोटस बताया जा रहा है, इसकी भी चर्चा हो रही है, क्या मान लिया जाए कि कुछ चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ खोदबीन चल रही है? मैंने आपको रिपीटेडली कहा, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग जो भी बोले, जो भी सोचे, जो भी करें, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का फैसला सुना दिया है। जानकारी ऐसी आ रही है कि कांग्रेस ने कुछ चार्टर बुक किए हैं विधायकों को शिफ्ट करने के लिए, इस तरह की जानकारी है, आप लोगों ने भी कोई फरमान जारी किया? मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है महादेव बैटिंग ऐप को लेकर, क्या लगता है अब लिखने की क्या जरूरत? हाँ भाई, जाते जाते आपने 5 साल तो पत्र लिखा है, जाते जाते भी, और जो तथ्य ईडी ने रखे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पर आरोप लगा रही थी, तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब जाते जाते कर रहे हैं, ये बताता है कि आपके मन में क्या है और क्यों लिखा है आपने। सरकार आप बना रहे हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये कॉन्फिडेंस, ये जिस तरीके से बूस्टअप हो रहा है, एक बात तो साफ हो गई है, नंबर क्या आएंगे और नंबर क्या आ रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता, लेकिन इस तरह का कॉन्फिडेंस डॉक्टर रमन सिंह का भी है और इसी तरह का कॉन्फिडेंस अरुण साव का भी है। अब ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो जरूर पका रही है, और ऐसा कुछ पका रही है जिससे सत्ता की चाबी हाथ में आ जाए। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।